आज हम बात करेंगे राइनो के बारे में। ये वाला 2006 में लॉन्च हुई ICML सोनालिका राइनो। हाँ, वही सोनालिका जिसके ट्रैक्टर्स काफी फेमस है। राइनो की एक 8 सीटर MPV जो कि उस टाइम टाटा सुमो, टोयोटा इनोवा जैसी गाड़ियों के साथ कम्पीट करती थी। पहली नजर में आपको ये देखने में क्वालिस जैसी लगेगी। ये भी राजू। इस गाड़ी को ICML और रोवर ने कोलैब करके बनाया था, यानी ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया कार थी। राइनो में आता था 2 लीटर का डीजल इंजन 97 हॉर्स पावर और 240 Nm टॉर्क के साथ। फीचर्स भी सब थे, डुअल AC, पावर विंडो, 8 सीटर, सेंटर लुकिंग एंड मच मोर। लेकिन फिर भी ये बेचारी इंडिया में चल नहीं पाई। क्या हुई? पहला रीजन था इसके कॉम्पिटिटर्स, यानी उस टाइम सुमो, बुलेरो, इनोवा जैसी गाड़ियों का पूरा दबदबा था, क्रेज दबदबा। ऊपर से इसके सर्विस सेंटर्स गिने चुने थे, वो भी बड़े शहरों में। और मान लो फिर भी किसी ने ले ली तो इसके स्पेयर पार्ट्स देखे मिलते ही नहीं थे। मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। यानी गाड़ी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस और स्पेयर पार्ट्स जैसे कुछ कारणों की वजह से 2014 में राइनो डिसकंटिन्यू हो गई। जल्दी हो